आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस युवाओं के दम पर मध्य प्रदेश में दस्तक देने की तैयारी में है और लगभग इस तरह की संभावनाएं हैं कि 30% नए चेहरों को इस बार विधानसभा चुनाव में मौका दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या युवाओं की सोच है और किस तरह से मध्य प्रदेश में एक कुशल नेतृत्व के लिए युवा आगे आ रहे हैं, इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता विक्रांत भूरिया जी। और उनसे सीधी चर्चा करते हैं कि विक्रांत भाई साहब, जिस तरह का माहौल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, युवाओं पर दम लगाने की बात कांग्रेस कर रही है, किस तरह का माहौल आप देखते हैं? देखिए, ये वाला चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ कांग्रेस या जनता की दृष्टि से नहीं, युवाओं के भविष्य को लेकर भी। आप खुद जानते हैं कि आज सबसे बड़ी चुनौती युवा के सामने क्या है, वो धर्म नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी। और आज का जो सरकारी आंकड़ा है ये कहता है कि हमारे देश में हर महीने 10 लाख नए युवा बेरोजगार हो रहे हैं। तो अगर हम उनको खाने के लिए खाना नहीं देंगे, काम करने के लिए काम नहीं देंगे, तो उनके लिए बाकी सब चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। और आप आज खुद जानते हैं कि आज हमारा देश युवा देश है और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है युवाओं की है। तो ये जवाबदारी जो भी कांग्रेस सरकार जो भी घोषणा पत्र बनाती है, क्योंकि मैं खुद घोषणा पत्र समिति में हूँ, हमारी जो सोच है यही है कि हम लोक लुभान वादे नहीं करेंगे, हम पुख्ता उनको तरीका बताएंगे कि किस तरह से हम युवाओं को मजबूत करेंगे और उनको रोजगार के मौके बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जब से अध्यक्ष बने हैं, युवाओं को तरजीह देने की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं देखने को भी मिल रहा है जिस तरह की समितियां गठित हो रही हैं, क्या मानते हैं विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी का इफेक्ट कितना देखना? देखिए, बहुत रहेगा, बिल्कुल रहेगा। वो तो शुरू से कहते आए हैं कि युवा लोगों को मौका मिलना चाहिए, वो आगे आना चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि हमें अगर इस देश को प्रदेश को आगे ले जाना है तो युवा सोच के साथ युवा जोश की भी ज़रूरत है। तो उसमें आपको नए चेहरों को बिल्कुल मौका देना पड़ेगा, क्योंकि अगर नए चेहरों को मौका नहीं मिलता है तो जनता में जो उनका मन जो बनाकर वो बैठे हुए हैं कि हमको नई सोच वालों को वोट देना है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो नए लोगों को मौका भी मिलेगा। और राहुल जी, हम जब दिल्ली जाते हैं तो एक बात वो बार बार दोहराते हैं कि हम सबको मौका देंगे, वरिष्ठों का सम्मान भी करेंगे, पर युवा सोच को भी आगे लेकर आएंगे। यूनिवर्सिटी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आपने की और अभी युवक कांग्रेस में जिस तरह के बदलाव देखने को मिल रहा है, यूथ कांग्रेस में जिस तरह के बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या लगता है ये जो नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये जो युवाओं को अलग अलग पद दिए गए हैं, इसकी जो है संगठनात्मक स्तर पर और ज़मीनी स्तर पर कितना असर देखें? देखिए, ये जो पूरी प्रैक्टिस करी गई है और जिस तरह से सब कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए, उसका एक ही उद्देश्य है कि ये चुनाव को माइक्रो मैनेजमेंट के माध्यम से जीतना है। और माइक्रो मैनेजमेंट तब हो पाएगा जब सारी जवाबदारी बराबर तरीके से सब में बटी होगी। और मुझे आप एक महीने के अंदर देख पाएंगे, क्योंकि बाकी जो जिला अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस में बाकी जो नियुक्तियां बची हैं वो भी अभी एक हफ्ते के अंदर होने वाली हैं। आप जैसे ये होती हैं तो आप खुद देखेंगे कि युवा शक्ति और युवा जोश किस तरह से यूथ कांग्रेस में भी जागेगा और पूरे प्रदेश में जागेगा। आपके क्षेत्र से आपके नाम की चर्चाएं हैं और जिस तरह से युवाओं को तरजीह देने की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं विक्रांत भूरिया का भी नाम प्रमुखता से आता है, क्या लगता है कि राजनीति में शुरुआत के लिए ये समय परफेक्ट है और किन किन मुद्दों को लेकर क्या प्राथमिकताएं आपने तय की अपने लोगों को? देखिए, युवा का मकसद ही होता है कि जो चुनौती मिले उसको बखूबी निभाए और ईमानदारी से पूरी ताकत से ज़मीन पर लड़े। और हम युवाओं की भी ये जवाबदारी है कि संगठन और पार्टी जो भी जवाबदारी देगी उसको पूरी बेखूबी निभाएंगे। और हम कोशिश यही करेंगे कि हम गांव-गांव बूथ-बूथ तक जाकर लोगों से संपर्क करें, उनकी क्या समस्याएं उनको जानने की कोशिश करें और पार्टी से ये डिमांड करें कि आपको इन इन चीज़ों पर घोषणा पत्र में भी आपको लाना है और इन पर हमको चुनाव जीतने के बाद कार्रवाई आपको करना पड़ेगी। तभी हम जो जाकर उनसे वादे करेंगे, क्योंकि हमारी शिवराज सरकार नहीं है कि हम सिर्फ घोषणाएँ करते रहेंगे, हमारी मकसद ये है कि हम जो बोले हैं वो कर कर दिखाएं। भाजपा ने नारा दिया है इस बार अब की बार 200 पार, कांग्रेस को कहां देखते हैं विधानसभा चुनाव? देखिए, नारे जो ये दे रहे हैं कि अब की बार 200 पार, मेरा इनसे निवेदन है कि आप अब की बार 200 पार इनके विधायक हारेंगे, ये जीतेंगे नहीं, 200 पार विधायक इनके हारेंगे। और ये इनका खुद सर्वे बताता है कि जितने इनके विधायक हैं उससे ज़्यादा तो इनकी बुरी हालत, सारे मंत्रियों की बुरी हालत है, कैबिनेट मिनिस्टर्स की बुरी हालत है। ये क्यों है? ये इसका सीधा सीधा ये काम है, इन्होंने 15 साल में कुछ नहीं करा, सिर्फ वादे करते रहे, घोषणाएं करते रहे। अभी मैं बताना चाहूँगा कि ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है ये आशीर्वाद किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं। इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं उस चीज़ के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, या फिर इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं उस चीज़ के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, या फिर ये आशीर्वाद मांग रहे हैं कि महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं उस चीज़ के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं? और मैं तो पहली बार देखा।
सबसे मजेदार बात है, पहली बार देखा कि जो आशीर्वाद मांग रहा है वो बस गाड़ी से निकलता है, हाथ हिलाता है, और जो आशीर्वाद देने वाला को जमीन पर खड़ा कर रखा है, आशीर्वाद लेने वाला तो ऊपर बैठा है। तो हमारी संस्कृति ये नहीं है कि जो आशीर्वाद देता है वो ऊपर नीचे बैठता है और जो आशीर्वाद लेता है ऊपर बैठता है। तो ये तो सिर्फ टोटल ढोंग कर रहे हैं। और शिवराज जी, ये कोई जन आशीर्वाद नहीं ले रहे, ये जबरदस्ती आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। तो इस तरह के जो भी ये नाटक नौटंकी करते हैं, जनता इनको सबक सिखाएगी। नाथ जी, संध्या जी, दिग्विजय जी, सब अलग अलग रूप से सक्रिय हैं और कांग्रेस में समन्वय की बात हो रही है, क्या लगता है जो जिस तरह की छवि कांग्रेस की बनी हुई थी, उस छवि से कांग्रेस उभर पा रही है? देखिए, बहुत ताकत से, मतलब ये मैं आपको, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, पर बहुत ताकत से आज भी हमारी जो बैठक थी चुनाव अभियान समिति की, उसमें साफ साफ ये चीज़ कहा गया है कि सारे जो पूरी ताकत है कांग्रेस की और सारे वरिष्ठ नेताओं की, उनके पूरे दौरे तैयार करे जा रहे हैं, एक एक बारीकी पर हम ध्यान दिया जा रहा है, किस तरह पर बूथ पर काम करेंगे, किस तरह ब्लॉक पर काम करेंगे, किस तरह जिला स्तर पर काम करेंगे, और जो असली समस्याएं हैं और जो ये झूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्योंकि सबसे अच्छा उदाहरण मैं देना चाहूँगा भावांतर योजना का। भावांतर योजना में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, ये आने वाले समय में हम कैसे उजागर करेंगे, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये उजागर होगा कि भावांतर में के। तो इनकी जो भी योजनाएं चल रही हैं अभी, ये जो भी योजनाएं लेकर आए हैं सिर्फ पैसा खाने के लिए लेकर आ रहे हैं, और उसका मूलभूत जमीन पर जनता को कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है। बहुत सारे युवा मतदाता होंगे, चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, पहली बार मतदान करेंगे, ऐसे मतदाताओं से क्या? देखिए, जो पहली बार मतदाता आ रहे हैं उनसे हम जो अपेक्षाएं रखते हैं और उनसे अपील भी ये करते हैं कि सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक से बाहर निकलकर जो व्यक्ति सही में ज़मीन पर जो हकीकत है उसके आधार पर वोट दीजिए। और अगर मन में कुछ भी संशय हो, क्योंकि आजकल क्या है कि व्हाट्सएप फेसबुक, इस पर फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चलती है और कई लोगों का जीवन ही वो व्हाट्सएप फेसबुक के आसपास हो गया है, तो जो अफवाह फैलाने वाले हैं जैसे बीजेपी के लोग हैं, ये इसको उसका हथियार मानकर करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि युवा तो बाहर निकलता नहीं है, ना खेलने निकलता है, सिर्फ अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इस पर बैठा रहता है। तो वो धारणाओं को अगर हमको झुलझलाना है और खुद के भविष्य की सही में चिंता हो, तो युवा बाहर निकलो और सच्चाई को खुद जानो और दूसरों को बताओ भी। तो ये थे युवा कांग्रेस नेता विक्रांत भूरिया जी, जिन्होंने युवाओं को लेकर अपनी बात रखी है, और निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की तैयारियां हैं, निश्चित रूप से युवा कार्यकर्ताओं के दम पर कांग्रेस इस चुनाव में एक मजबूत छवि बनाने के लिए कामयाब होती नजर आ रही है। अपने सहयोगी प्रतीक सोलंकी के साथ में राहुल तिवारी, टैलेंटेड इंडिया, इंदौर। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।